नमस्कार दोस्तों, मैं स्वयं अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा जो भी लाइव कंटेंट है। देश दुनिया के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ जो भी लाइव कंटेंट। खास खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करों को पकड़ा। अवैध देसी शराब से हो रही घटनाओं को रोकथाम के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के ब्यूरो थाना पुलिस ने 120 लीटर अवैध शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक LV के पाल ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना देने पर पुलिस ने कमसिन रोड पर तिरुसी मोड़ पर चार पहिए में खड़े होने का पता चला। निशानेदही पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर तस्करों को दबोच लिया गया। ये लोग छोटी छोटी ग्राहकों को शराब बेचते थे। इनके विरुद्ध में 16 और धारा 60-63 तथा अबकारी अधिनियम 272 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। इसको लोकली पर्सनल सप्लाई भी देते हैं और दुकानों में भी इसमें शीशियों में इसको गलत तरीके से लेबलिंग करके इसको बेचने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने रज्जू यादव और जगत नारायण यादव, कृष्णदत्त यादव, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इनके एक साथ के थे राम बाबू यादव, वो मौके से फरार हो गया है। और इसमें इन्होंने बताया कि अंकित सिंह उर्फ तुलसी सिंह है, ये के लोहरा गांव के हैं। ये काफी सारे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।